नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया और आप देख रहे हैं परमार्थ आवाज न्यूज। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। आज सामाजिक संगठन जनता की आवाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय गुप्ता ने राज्यपाल महोदय लखनऊ के नाम संबोधित ज्ञापन नगर मजिस्ट्रेट आशीष कुमार सिंह को सौंपा। बढ़ती हुई महंगाई के खिलाफ संगठन के लोग शहीद पार्क टाउन हॉल में एकत्रित होकर नगर निगम तक जा पहुंचे, प्रशासन द्वारा रोक लिया गया। संजीव गुप्ता ने कहा, हिंदुस्तान के इतिहास में आजादी से लेकर अब तक पहली बार सरकार ने दूध, दही, पनीर, आटा, दाल, चावल, अन्य खाने पीने की चीजों पर जीएसटी लगाकर हिंदुस्तान की गरीब जनता को भुखमरी की कगार पर लाकर खड़ा कर दिया है। उन्होंने कहा, जो घरेलू गैस सिलेंडर कभी पिछले समय 350 में मिलता था, आज वही गैस सिलेंडर 1120 रुपए में मिल रहा, जबकि मजदूर की मजदूरी 300 रुपए है। वह कहां से गैस सिलेंडर भरवा कर खाना पकाए। वर्तमान सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए आरोप लगाया कि सरकार ने जिंदा रहते हुए गरीबों के मुंह से निवाला छीन लिया है। सरकार ने मरने के बाद भी सुकून नहीं लेने दिया। अंतिम संस्कार यानी कफन पर भी 18% जीएसटी लगा दी। गरीब अब अंतिम संस्कार भी कैसे करेगा, मुर्दे को कफन भी नसीब नहीं होगा क्या। वर्तमान सरकार ने होटल में ठहरने पर भी जीएसटी लगा दी। संजीव गुप्ता ने कहा, प्राइवेट अस्पतालों में मरीज के लिए प्राइवेट कमरा लेने पर भी जीएसटी लगा दी। अस्पतालों में भी जनता को सुकून नहीं। उन्होंने कहा, सरकार को चाहिए गरीबों के ऊपर इतनी दया ना करके गरीबों के लिए एक एक सल्फास की गोली दे देना, गरीब रहेगा और ना गरीबी। देश को चाहिए कि सिर्फ अंबानी, अडानी, टाटा, बिरला, डालमिया, सिंघानिया जैसे लोग और वहीं जिंदा रहेंगे और नेता। आज के संबंध में धरना प्रदर्शन किया गया। आज सामाजिक संगठन जनता की आवाज ने जीएसटी और महंगाई को लेकर ऐलाने जंग के खिलाफ ऐलान कर दिया है कि हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार मोदी सरकार ने दूध, दही, पनीर और तो और ये रोटी जिसे खाकर हमारा पेट भरता है, इस पर जीएसटी लगा दी है। और बच्चे की जो पढ़ने लिखने की चीज़ें हैं, कटर है, पेंसिल है, रबड़ है, कॉपी है, इस पर जीएसटी लगा दी है। आखिर मोदी सरकार चाहती क्या है? इसने हिंदुस्तान की जनता को गुमराह किया है। भाइयों बहनों ये देख लो, अच्छे दिनों की शुरुआत है, ये अच्छे दिन है कि आज रोटी तक नसीब नहीं हो रही है, रोटी तक, और तो और क्या करा जाए। और तो और जीते जी सुकून नहीं है, मरने के बाद कफन पर 18% जीएसटी लगा दी है। यानी अब हम अपने मुर्दे को भी सही से नहीं फूंक सकते, उसे भी सही से नहीं दफना सकते। पूरा देश इसने बेच दिया है अंबानी अडानी के हाथ। ऐसा कौन सा थैला है जिसमें LIC पैक हो गई, जिसमें रेलवे पैक हो गया, जिसमें एयरपोर्ट पैक हो गया, और कहता है मेरी क्या है, मैं तो थैला उठा के चल दूंगा। अरे मोदी, तुझे ये मैं पैगाम देता हूँ, क्योंकि तूने हिंदुस्तान की जनता को छला है और कब तक चलेगा। मैं हिंदुस्तान की जनता की आवाम को मैं एक ही नारा देता हूँ, हम एक थे, एक हैं और एक रहेंगे। और हिंदू मुसलमान के नाम पर हरामी लड़वाता है। ऐ ताजमहल में कमरे ढूंढो, लाल किले में कमरे ढूंढो, अरे हराम जादो गरीबों के घर में ढूंढो कि कौन कौन गरीब है जिसके घर में चूल्हा नहीं जल रहा है, जिसके घर में रोटी नहीं बन रही है। हमारा पेट मंदिर मस्जिद से नहीं भरेगा। हमारे नौजवान को रोजगार चाहिए, हमारे नौजवान को काम चाहिए, मगर हिंदुस्तान में रोजगार और काम है ही नहीं। अभी क्या पत्रकार महोदय, अभी तो क्राइम 25% है, आने वाले दिनों में पूरे भारत में क्राइम ही क्राइम होगा। क्योंकि इसलिए ये पेट नंगा, ये तन नंगा, और जब भूख लगेगी और पेट तड़फेगा तो क्राइम चरम सीमा के ऊपर होगा। और ये योगी जिसके ऊपर तो खुद एक दर्जन मुकदमे चल रहे हैं तमाम, और अपने आप को कहता है योगी, किस बात का योगी। उत्तर प्रदेश की विधानसभा में 47% ऐसे विधायक हैं जिनके ऊपर चोरी, डकैती, हत्या, लूट के मुकदमे चल रहे हैं। ये देश चलाएंगे या ये देश बेचेंगे? क्योंकि इसलिए मैं आपको एक पत्रकार महोदय बहुत बड़ी बात बताना चाहता हूँ। रंडी पैसा लेकर अपना हुस्न बेचती है, और इस देश के हरामजादे नेता ये अपना ईमान और अपना छवि बेचते हैं।
दिखाओ, हमारी इस बाइट को काटना मत, दिखाना अपने चैनल पे कि हमारे देश के नेता इस देश को लूट रहे हैं। आपको मालूम है गौतम अडानी का SBI ने 1277 करोड़ रुपया लोन माफ किया। क्यों माफ किया, किसका था? ये हिंदुस्तान की गरीब जनता का है, ये किसी नेता के बाप का पैसा नहीं है। दिखाओ और सच दिखाओ, सच बोलेंगे, डरेंगे नहीं, क्योंकि इसलिए हिंदुस्तान में क्रांतिकारी कम है तो क्या होगा अगर इन जैसे नेताओं को सबक सिखाने के लिए पर्याप्त है। जय हिंद, जय भारत। ऐसी खबर से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए परमार्थ आवाज न्यूज।